2021 में एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज को लॉन्च किया था और 2022 में आईफोन 14 सीरीज लॉन्च हुए थे। इन दोनों सीरीज के प्रो मॉडल्स में बहुत फ़र्क है, दोनों के डिज़ाइन भी और दोनों के चिपसेट में भी। बट आईफोन 13 और आईफोन 14 में कुछ माइनर चेंजेस के अलावा कोई भी फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहले दोनों आईफोन्स में सेम क्या है वो देख लेते हैं। साइज़ के बारे में बात करें तो दोनों आईफोन्स का साइज सेम है 15.40 सेंटीमीटर का, और नॉच भी सेम है और कैमरे का स्टाइल भी सेम है। चिपसेट के बारे में बात करें तो दोनों में सेम A15 बायोनिक चिप देखने मिलती है, लेकिन आईफोन 13 में 4-कोर GPU है और आईफोन 14 में 5-कोर GPU। लेकिन डे टू डे यूज़ में ज़्यादा कोई भी मेजर डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, बट रैम में थोड़ा बहुत फ़र्क देखने मिलता है। आईफोन 13 में 4GB का रैम आता है जबकि आईफोन 14 में 6GB का रैम देखने मिलता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोनों आईफोन्स में सेम डिस्प्ले देखने मिलता है, 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना HDR OLED डिस्प्ले देखने मिलता है, और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी सेम है 2532x1170p विथ 460 PPI। कैमरे के बारे में बात करें तो दोनों आईफोन्स में 12+12 मेगापिक्सल का ड्यूल लेंस रियर कैमरा देखने मिलता है, और फ्रंट कैमरा दोनों में 12 मेगापिक्सल का देखने मिलता है। ऑलमोस्ट 99% दोनों का कैमरा सेम है, बट आईफोन 14 में कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि रियर कैमरा और फ्रंट कैमरे में फोटोनिक इंजन का ऑप्शन और वीडियो रिकॉर्डिंग में एक्शन मोड वाला ऑप्शन, ये आईफोन 14 में देखने मिलता है जबकि आईफोन 13 में नहीं है। इसके अलावा कैमरे में कोई भी मेजर डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। बैटरी के बारे में बात करें तो आईफोन 13 में आती है 3240 मेगावाट्स की बैटरी, जबकि आईफोन 14 में आती है 3279 मेगावाट्स की बैटरी, और आईफोन 14 की बैटरी आईफोन 13 से 1 घंटा ज़्यादा बैटरी बैकअप देती है। यानी एप्पल ये क्लेम करता है कि आईफोन 14 की बैटरी में वीडियो प्लेबैक अप टू 20 आवर्स देखने मिलता है और ऑडियो प्लेबैक अप टू 80 आवर्स देखने मिलता है, और फास्ट चार्जिंग की कैपेबिलिटी भी दोनों आईफोन्स में सेम देखने मिलती है, यानी हाफ एन आवर में 50% चार्ज हो जाता है 20 वाट्स के अडैप्टर से। बाकी स्टोरेज भी सेम देखने मिलता है, वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट भी सेम है, और दोनों आईफोन्स 5G सपोर्ट करते हैं। और फाइनली प्राइसिंग की अगर बात करें तो एप्पल की वेबसाइट पे आईफोन 13 का प्राइस है बेस वेरिएंट के लिए 70,000 रुपीज़ और आईफोन 14 का प्राइस है बेस वेरिएंट के लिए 80,000 रुपीज़। वही अगर फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की बात करें तो उनमें भी आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही देखने मिलेगा। अगर फेस्टिवल डिस्काउंट चल रहे होंगे तब आईफोन 13 का प्राइस अराउंड 60-65,000 का मिलता है और आईफोन 14 का प्राइस 70-75,000 का मिलता है। बट अगर आपको लेना है चाहे कोई भी हो तो मैं आपको न्यू सील्ड पैक की जगह यूज्ड आईफोन सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इस साल सितंबर इवेंट में आईफोन 15 सीरीज भी लॉन्च होने वाले हैं और आईफोन 15 आने के बाद पुराने आईफोन्स का प्राइस वैसे भी कम हो जाएगा, तो इसलिए आप सोच समझ कर डिसाइड करें। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको आईफोन 13 रिकमेंड करूंगा या फिर आईफोन 15 के लिए भी आप जा सकते हैं। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।